स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मंडी भाव राज में। दोस्तों साउथ अफ्रीका है, वहाँ की एक रिपोर्ट देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में लहसुन के लिए कहाँ से ज़्यादातर आयात किया जाता है, और साउथ अफ्रीका का जो लहसुन संघ है उनका क्या कहना है। तो दक्षिण अफ्रीका देश में बेचे जाने वाले अधिकांश लहसुन का आयात करता है, लेकिन अगर किसान एक साथ काम करते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन करते हैं तो स्थानीय उद्योग पनप सकता है। ग्रालेन गार्लिक सीड्स के जैक्स टेरेब्लेंच ने गेयरहार्ड यूएस को समझाते हैं कि उत्पादनक लहसुन के उत्पादन को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं। तो लहसुन का जो उत्पादन है दक्षिण अफ्रीका में बढ़ाना चाहता है, और ज़्यादातर दक्षिण अफ्रीका जो लहसुन का आयात करता है वो चीन से करता है, और उनको काफ़ी उसके लिए ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका का जो लहसुन संघ है वो अच्छी तैयारी कर रहा है, और इस वर्ष लहसुन उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित कर रहा है। तो मिस्र की लहसुन की किस्म 6 टन तक की पैदावार दे सकती हैं, जबकि विशाल किस्म 12 टन तक उत्पादन कर सकती हैं। और ये जो दक्षिण अफ्रीका लहसुन का ज़्यादातर आयात चीन से करने के कारण काफ़ी वहाँ के जो मार्केट हैं महंगाई के रूप में चलते हैं, और उनको आयात ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए आयात को कम करने के लिए उन्होंने इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका लहसुन जो उत्पादन संघ हैं उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया जा रहा है, और किसानों को हर तरह से संभवतः जो भी मदद मिल सकती है लहसुन उत्पादन के लिए वो प्रदान की जा रही है, और संघ द्वारा पूरा किसानों को सहयोग किया जा रहा है जिससे कि दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का उत्पादन हो सके और अन्य देशों से कम आयात करना पड़े, विशेषकर जो कि चीन के ऊपर पूरा दक्षिण अफ्रीका का लहसुन क्षेत्र है वो निर्भर हैं, और वहाँ पर जो लहसुन का सप्लाई किया जाता है चीन द्वारा किया जाता है। लहसुन का आयात एक स्थानीय लहसुन उद्योग को प्राप्त करने की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है, और विशेष रूप से जो चीन है लहसुन की डंपिंग एक गंभीर उनके लिए समस्या है, और व्यापार और उद्योग ने चीन के सभी ताज़ा लहसुन पर 1925 प्रति किलोग्राम का एंटी डंपिंग लेवी आवंटित किया। हाल ही में एक रिपोर्ट में एसोसिएशन के चेयरपर्सन कोरी बेजोइन हार्ट कहते हैं कि सबूतों से पता चलता है कि चीन दक्षिण अफ्रीका बाजार में सस्ते लहसुन को दुनिया की क्षमता और स्थानीय उत्पादक लागत की तुलना में कम कीमत पर डंप कर रहा था। चीन से आयात मात्रा में बड़ी गिरावट आई जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका में लहसुन की कमी हो गई है, और आयातकों ने विश्व बाजार में लहसुन की खरीदारी के लिए इस अवसर को पकड़ लिया है, और अन्य देशों से लहसुन दक्षिण अफ्रीका में डालना शुरू कर दिया है। तो दक्षिण अफ्रीका में एक वर्ष में लगभग 400 टन फसल बेची जाती है, और स्पेन से 2625 टन का आयात किया जाता है जो कि लगभग 58% है। तो लहसुन के अपने बड़े खरीदारों का विश्वास जीतने की ज़रूरत दक्षिण अफ्रीका को है, और जहाँ दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर सुपरमार्केट हैं तो लहसुन की लंबी शेल्फ लाइफ और विश्व बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले लहसुन की उपलब्धता इन समूह के लिए विदेशी देश में एक प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता से लहसुन का ऑर्डर करना आसान बनाता है, क्योंकि लहसुन की तलाश में स्थानीय स्तर पर चारों ओर भागना पड़ता है। तो स्थानीय उद्योग के लिए एक पहला कदम स्थानीय रूप से उत्पादित लहसुन के लिए केंद्रीय विपणन चैनल स्थापित करना होगा।
तो ये थी वहाँ के जो दक्षिण अफ्रीका एक लहसुन उत्पादन संघ है वहाँ पर बना है, जो पूरी अपनी तैयारी कर रहा है इस वर्ष कि लहसुन का किसी भी प्रकार से अन्य देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। और दक्षिण अफ्रीका लहसुन उत्पादक संघ के जो अध्यक्ष हैं कोरी बेजोइन रॉय हॉट, जिनका नाम है बेजोइन हॉट, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि भाई ज़्यादातर किसान को प्रेरित किया जाए, उनकी मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए, और उनको पूरा प्रशिक्षण भी वहाँ पर दिया जा रहा है कि लहसुन का उत्पादन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार की मिट्टी में होता है, इसमें किस प्रकार के उर्वरक को डाला जाता है, और पूरी तरह से इसका रोपण और पूरी प्रक्रिया, फसल को कटाई तक भंडारण तक की व्यवस्था के बारे में पूरा ही प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जा रहा है। और ज़्यादातर किसानों को प्रेरित कर करके लहसुन उत्पादन अफ्रीका में बढ़ाने की पूरी तैयारी इस संघ द्वारा की जा रही है, और संघ का सहयोग आर्थिक रूप से वहाँ की दक्षिण अफ्रीका की सरकार भी कर रही है। तो वहाँ पर किसानों को पूरी तरह से कीट और बीमारी से किस प्रकार से बचाया जा सकता है, और लहसुन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और अच्छी खेती की जाए, इसके लिए हर तरह से संभवतः प्रयास किए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये थी दक्षिण अफ्रीका से एक सामान्य रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।